गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अभी जो हमारा रनिंग चैप्टर बायोमॉलिक्यूल है, उस बायोमॉलिक्यूल का एक मेन इंट्रोडक्टरी पार्ट, दैट मींस इंट्रोडक्शन जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और उसमें हम लोगों ने, दैट मींस कि जो मैक्रो बायोमॉलिक्यूल एंड माइक्रो बायोमॉलिक्यूल, एसिड सोल्यूबल पूल और एसिड इन सोल्यूबल पूल, या फिर जिसका मोलेकुलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा है और जिसका मोलेकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम है, इस बेसिस पे दो फ्रैक्शन जो है हमें मिला था। और उसके लिए दो हम लोगों ने टेक्निक अप्लाई किया था। इसके लिए एक हम लोगों ने क्या किया था कि कंप्लीटली जो हमारा टिश्यू का एक छोटा सा पार्ट था उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड करके उसको चीज क्लॉथ पे हम लोगों ने फिल्टर करके एसिड सोल्यूबल पूल और एसिड इन सोल्यूबल पूल में बांटे थे। दूसरा एलिमेंट का एनालिसिस करने के लिए हम लोगों ने एस एनालिसिस का टेक्निक अप्लाई किया था। तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने ये दो तरह के अलग अलग जो है हमें एनालिसिस मिला। आज हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो अभी हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले बात आएगी कि मेटाबोलाइट है क्या। ठीक है, कि मेटाबोलाइट आखिर क्या है। तो मेटाबोलाइट की अगर बात करें हम लोग, तो हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, उन थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ जो है वह इनडायरेक्ट वे में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म बहुत बार आने वाला है। देखो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे बॉडी में बनना और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे बॉडी में टूटना, ये दोनों पार्ट इंक्लूड होकर के कहलाता है मेटाबॉलिज्म। तो आप लिख सकते हैं इसको फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर एंड ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ आर इंक्लूड इनटू। ये डेफिनेशन मैं नहीं दे रहा हूं आपको, एकदम सिंपल वे में समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी, जैसे आप देखो, या प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर के क्या बना देते हैं, C6H12O6, जो कि क्या है, यह ग्लूकोज है। यह प्रोसेस का नाम क्या है, तो यह फोटोसिंथेसिस है। ठीक है ना, तो यह भी एक मेटाबॉलिज्म हुआ। तो वहां पर क्या हो रहा था कि CO2+H2O ये दोनों मिलकर के हमें दे रहे थे ग्लूकोज, इसी प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो दिस इज द, यह क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म यह भी हो गया। और इसी का उल्टा देखो, जो ग्लूकोज है यह ग्लूकोज टूट के हमें देता है पाइरूविक एसिड में, और इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है ना, तो ये क्या है, ग्लूकोज पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और जबकि पाइरूविक एसिड कितना है, 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल देता है। तो यहां पे देखो ब्रेकडाउन हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है,
फॉर्मेशन। तो ये दोनों प्रोसेस जो है वह क्या कहलाएंगे, मेटाबॉलिज्म हो गए। अब इसी मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। ये आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में पहले मेटाबॉलिज्म समझेंगे तभी मेटाबोलाइट समझेंगे आप, ठीक। तो एनाबॉलिज्म का मतलब समझ लो कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म मिलके क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को होने के लिए जो कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं उसको कहते हैं मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब एक रिएक्शन है, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, यानी जिसमें यहां पर देखो दो छोटे कंपाउंड मिलकर के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहा है और ये एक बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड टूट करके दो छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड में टूट रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन अलग अलग है और दोनों को मिला के, तो यहां पर आप देखो यह एक तरह का क्या हो गया, यहां पर यह आप कह सकते हो एनाबॉलिज्म है। तो यहां पर यह कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। ये सब अभी बहुत डिटेल आगे के चैप्टर में चलने वाला है, ये सब आगे आएगा, बस यहां पर इंट्रोडक्शन के एकदम सिंपल वे में आपको मैंने ये समझाया। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सुगर, एमिनो एसिड, सुगर एमिनो एसिड, क्लोरोफिल, हीम, ईटीसी। अब देखो सुगर का मतलब जो हम लोग ग्लूकोज वगैरह हमारे बॉडी में बनता है या फिर हम बाहर से लेते हैं। एमिनो एसिड क्लोरोफिल प्लांट में के लीफ में होता है जिसके वजह से प्लांट का लीफ ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और हीम, हीम का मतलब हमारे आरबीसी में, तो इसलिए उसका नाम पड़ा हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये सब जो है वो ऐसे बहुत सारे हैं विच आर पार्टिसिपेट्स इन, तो ये सब किस चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जैसे देखो फोटोसिंथेसिस, ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, रेस्पिरेशन, हेमोग्लोबिन यानी हीम जो होता है हमारे आरबीसी में वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, एंड लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, ये सारे चीज में ये सब कंपाउंड जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। दीज कंपाउंड आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो इसलिए ये सब कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, इन सब कंपाउंड को प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब यहां तक पहले ये बात समझ लो, तो सिंपल वे में अगर कहें तो सबसे सिंपल वे में ये कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में
डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है उसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक, अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्लांट्स, फंगाई एंड माइक्रोबियल सेल सिंथेसाइज वेरियस कंपाउंड विच आर नो डायरेक्ट रोल प्ले इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सब जो है, ऐसा कोई कंपाउंड जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करता है तो उसको क्या कहते हैं, डिज कंपाउंड आर नॉट पार्टी सिपेट्स इन प्राइमरी मेटाबोलिज्म, प्राइमरी मेटाबोलिक प्रोसेस। सो दीज आर कॉल्ड, तो इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, सो दीज आर कॉल्ड कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लो, पिगमेंट हो गया, टर्पिनोइड हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, गम, रबर, स्पाइसेज, इटीसी, ये सब जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, क्योंकि ये डायरेक्टली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट्स नहीं कर रहे हैं। तो यहां तक पहले ये बात हम समझे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है। ठीक, आइए देखते हैं अब इसके एक हम लोग पार्ट को। जैसे आप देखो कि तो हमने क्या बोला, अगर हम मेटाबोलाइट्स लेकर के चले तो मेटाबोलाइट्स हम क्या कह रहे हैं, तो मेटाबोलाइट्स बेटा दो तरह के, टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक देखिए, हमने बोला प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ओके, एंड सेकेंड में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो हम क्या बोले थे कि प्ले रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। तो एग्जाम्पल जैसे शुगर हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन या एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, क्लोरोफिल, ईटीसी। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वह
एनिमल के बॉडी में जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं, दीज ऑल आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। एक ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जबकि यहां पर देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, नो डायरेक्ट रोल, डायरेक्ट रोल इन, या डायरेक्ट कर दिए नो रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कोई रोल नहीं होता है। और इसके एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल हम लोग अभी लिखने वाले हैं, पिगमेंट, टर्पिन। मान लिया आपको पता नहीं कि टर्पिन क्या होता है, तो टर्पिन समझो कि यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो प्लांट्स हमें मिलता है, ठीक। तो पिगमेंट का मतलब इवन जो क्लोरोफिल प्लांट में होता है वह भी एक पिगमेंट है, लेकिन वह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। पिगमेंट का मतलब ऐसा कोई भी कलरफुल प्लांट का या किसी एनिमल का सब्सटेंस जो एक कलर देता है, दैट इज द पिगमेंट लिविंग बॉडी के लिए। तो टर्पिन, एल्कालॉइड, ईटीसी, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वह एनिमल में नहीं होते हैं, तो यहां पर हम ये लिख देते हैं, ऑल कंपाउंड इन एनिमल बॉडी इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। जबकि यहां पर देखो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्या रोल होता है, क्यों या प्लांट में या फंगाई में या माइक्रोबियल सेल में होता है, इसका रोल क्या है, यह भी वेल नोन नहीं है, पूरी तरह से इसके बारे में डिटेल नहीं है हमारे पास। रोल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इज नॉट वेल नोन, यह पूरी तरह से हमें पता नहीं है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्या रोल होता है, किसमें, तो प्लांट्स में या कोई फंगाई में या माइक्रोबियल सेल में, ठीक है। तो यहां तक कि यह बात प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की हम लोग देख रहे हैं। अब एक चीज और देखो, तो हमने क्या बोला था कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इट जनरली नॉट इन एनिमल सेल या एनिमल बॉडी। तो एनिमल शुरू से चालाक है, ऐसा कोई चीज बनाता ही नहीं है जिसकी जरूरत नहीं हो। लेकिन प्लांट देखो, प्लांट खुद फ्रूट नहीं खाता है लेकिन हमें देता है, तो हम ही, हमारा पूरा लाइफ उस पर डिपेंड है। जिस दिन इस अर्थ से प्लांट खत्म, दैट मींस की एनिमल बॉडी, सारे एनिमल खत्म। हम अपने एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, तो प्लांट पे, और प्लांट किस पे करता है, तो सनलाइट पे। तो ये सब अभी फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहां पर तो इस तरह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो हमारा चला। अब हम लोग एक लिस्ट देखेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो प्लांट में रहता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, पी ए टी ई एल, पटेल टू डीपी, पी फॉर पिगमेंट्स, पिगमेंट्स में है कैरेटेनोइड, एम ए एल्कालॉइड, टी में टर्पिनोइड, एम ए ई फॉर एसेंशियल,
एसेंशियल ऑयल, एल4, लैक्टिन्स, टीओ, टॉक्सिन, D4 ड्रग और P4 पॉलीमर सब्सटेंस। तो ये इतने सारे नाम को याद रखने के लिए आप ये इस तरह से हमने एक ये बना दिया है ताकि आपको ये याद रहे, और कुछ नहीं है, पटेल टू डीपी, ठीक है। तो अब इस सभी के एग्जाम्पल भी हमें देखना है कि किसके कौन कौन से एग्जाम्पल। जैसे अभी हमने क्या बोला, हमने आपको बोला कि पिगमेंट, तो पिगमेंट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो पिगमेंट के एग्जाम्पल है कैरेटेनॉइड और एंथोसायनिन, ठीक है। तो यहां पर कैरेटेनॉइड और एंथोसायनिन, एल्कालॉइड टर्पिनॉइड मोनो टर्पीन डाई टर्पीन एल्कालॉइड में मॉर्फिन, मॉर्फिन को हीरोइन भी बोलते हैं, वो मूवी वाली हीरोइन नहीं, यह एक केमिकल है। और कोडीन, कोडीन वगैरह को कफ सिरप में यूज किया जाता है, ठीक है। एसेंशियल ऑयल का एग्जाम्पल है लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है। फिर लेमन ग्रास ऑयल, लैक्टिन, लैक्टिन का है कॉन कैनावेलिन ए, ठीक है। ड्रग, ड्रग का है विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन। फिर उसके बाद में है ये इतने सारे मॉर्फिन, यहां पर ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, क्यों, क्योंकि ये जो आपका एल्कालॉइड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों। एल्कालॉइड आपको क्लास 12th में जो एक चैप्टर है हमारा जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो उस चैप्टर में भी जो है वो हम लोगों को आता है, कौन, एल्कालॉइड के बारे में। तो एल्कालॉइड हमारा उस 12th के चैप्टर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर आइए टॉक्सिन, टॉक्सिन में है आपका एबरीन रेसिन, ड्रग में विनब्लास्टिन कर्कुमिन, एंड फिर है आपका एक लास्ट में, ये यहां पर इन सभी का एग्जाम्पल हो गया, फिर लास्ट में एक है हमारा पॉलीमर सब्सटेंस। तो पॉलीमर सब्सटेंस में अभी आपने, हमने आपको लिखाया था रबर हो गया, फिर गम हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सारे जो हैं वो सब पॉलीमर सब्सटेंस में हो गए। जो रबर प्लांट से, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसे रबर लेने के लिए क्या करते हैं, प्लांट के पार्ट को थोड़ा थोड़ा कट करते हैं, उसमें व्हाइट रंग का मिल्क निकलता है और उससे लेकर के रबर या गम को तैयार किया जाता है। तो इसमें रबर, गम, सेलुलोज, दीज आर द पॉलीमर सब्सटेंस। तो ये एक लिस्ट हुआ हमारा, ठीक है। ये इसी लिस्ट में से आपको ये इतना सारा जो है वह सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के जो है वह लिस्ट हैं। इसको एक दो बार आप थोड़ा सा याद रखने का कोशिश करेंगे ताकि आपको इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछता भी है, तो आप इसको थोड़ा याद रखिए क्योंकि ये आपको आगे जाकर के काम आने वाला है, ठीक है। तो ये चलिए हमारा कंप्लीट हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इतना हम आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया है, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ओके। अब हम लोग हेडिंग देंगे मैक्रो बायो
मॉलिक्यूल, ठीक है। मैक्रो बायो मॉलिक्यूल में जनरली जो हम लोग देखे थे, मैक्रो बायो मॉलिक्यूल के दो इंपॉर्टेंट बात। मैक्रो बायो मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह 10,000 डाल्टन से एबव होता है या उतना होता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रो बायो मॉलिक्यूल इज 10,000 डाल्टन और एबव, और किसको छोड़ के, एक्सेप्ट लिपिड। क्यों, लिपिड का कितना है तो 800 डाल्टन से कम होता है, ठीक है ना, एक्सेप्ट लिपिड। और इन दिस इंक्लूड, तो मैक्रो बायो मॉलिक्यूल में कौन कौन इंक्लूड हुए थे आपको पता है, कल हम लोग पूरा इसी पे डिस्कस किए थे। तो मैक्रो बायो मॉलिक्यूल में इंक्लूड होते हैं पॉलीसेकेराइड, या सिंपल कहें तो कार्बोहाइड्रेट, सेकंड में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। इन्हीं चारों कंपोनेंट को हम लोगों को वन बाय वन करके देखना है, ठीक है। तो अब हमारा जो हेडिंग होगा वो फर्स्ट में अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट जो है वह सबसे ज्यादा मिलने वाला मोस्ट अबंडेंट माइक्रोबायो मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ, क्योंकि प्लांट में सबसे ज्यादा होता है। तो यह क्या है, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलेक्यूल ऑन अर्थ। क्यों ये मोस्ट अबंडेंट क्यों है, क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्टली सिंथेसाइज बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब प्लांट एनवायरमेंट से CO2 और सॉइल से H2O को लेकर के जो सुगर बनाया, अभी जो हम लोगों ने देखा था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस थोड़ा सा, उसी प्रोसेस को कहते हैं, ये प्लांट के द्वारा होता है। तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस यानी कार्बोहाइड्रेट बनाने का प्रोसेस प्लांट करता है, और वो प्रोसेस का नाम क्या है, तो बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। माना ये बातें आपको समझ में नहीं आई कि फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है। देखो फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, आप खाना खाते हो, दो टाइम तीन टाइम जितना भी टाइम खाना खाते हैं आप क्या लेते हो, रोटी चावल ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट मिल्क ये सब जो लेते हैं। मान लो आपने राइस लिया, उस राइस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना सबसे पहले जाके जो एनर्जी देने का काम करेगा उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, जो सबसे पहले हमें एनर्जी देता है। हम अभी बोल रहे थे एनर्जी लॉस हो रही है, तो वो एनर्जी कहां से आया, वो एनर्जी हमें जो हमने फूड खाया है यानी खाना जो खाते हैं तो फूड के रूप में जो हमारे बॉडी में गया और वो ब्रेक डाउन होकर के फिर सिंपलेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और वो सिंपलेक्स फॉर्म फिर हमें ATP बना के देगा।
तो एटीपी के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट है वो डायरेक्ट एटीपी देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, बस इतना अभी समझो, सबस्ट्रेट का मतलब हुआ जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराता है, यानी रॉ मटेरियल उस रिएक्शन का, और रेस्पिरेटरी का मतलब कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हमें क्या मिलता है, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हमें एटीपी मिलता है। एंड एटीपी क्या है, तो एटीपी जो है वह एनर्जी का करेंसी है। आप मार्केट में जाते हो कि तो किसी भी चीज को अगर आपको खरीदना हो या किसी भी चीज को बेचना हो तो किस चीज का यूज करते हैं, रुपया पैसा का यूज करते हैं, तो वो करेंसी हुआ। किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आपको वहां का करेंसी आपको यूज करना पड़ेगा। तो हमारे बॉडी में एनर्जी के रूप में करेंसी जो होता है वह एटीपी होता है, और ये एटीपी बनाने के लिए रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में होता है, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस करने के लिए सबस्ट्रेट लेना पड़ता है, यानी कि रॉ मटेरियल। तो जो पहला एटीपी बनाने के लिए जो फर्स्ट रॉ मटेरियल हमारे बॉडी में यूज होता है तो वह है कार्बोहाइड्रेट। तो इसीलिए हमने लिखा है कार्बोहाइड्रेट इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी कि यह पहला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है कहां का, हमारे बॉडी का। ठीक है, अब इसको इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज सैकेराइड, सैकेराइड का मतलब सुगर, तो इसीलिए हम लोग इसको सुगर भी कहते हैं। ओके, अब आइए चलिए हम लोग ये कार्बोहाइड्रेट की बातें। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, और ये बना होता है किस चीज से, तो ये कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो, ये बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट से मिलके बना होता है, ठीक है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वह थ्री टाइप्स के, वो देखिए कौन कौन से, यहां पर कार्बो कार्बोहाइड्रेट, और हम क्या कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के हैं, थ्री टाइप्स के। चलिए सबसे पहले एक होता है मोनोसैकेराइड, अभी सैकेराइड वर्ड यूज किए थे हम लोग, यहां पर मोनो एंड सैकेराइड, ठीक। सेकेंड में देखिए ओलिगो सैकेराइड, एंड फिर यहां पर पॉली सैकेराइड, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा और इधर कर दें हम, तो ये हो गया मोनो सैकेराइड, ठीक है। तो मोनो सैकेराइड, ओलिगो सैकेराइड एंड पॉली सैकेराइड। मोनो वर्ड का मतलब, यहां पर मोनो का मतलब होता है सिंगल, एंड सैकेराइड मतलब हो गया सुगर, यानी सिंपल वे में क्या कहेंगे, सिंगल सुगर जिसमें होगा वह मोनो सैकेराइड। मोनो सैकेराइड जो है वह तीन थ्री कार्बन से स्टार्ट होकर के सेवन कार्बन तक के कंपाउंड को बनाता है। अब अगर हम बात करें ओलिगोसैकेराइड में, ओलिगोसैकेराइड जो है वह जनरली टेन सुगर से लेकर के ट्वेल्व सुगर के यूनिट इसमें होते हैं, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जैसे यह डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड के एग्जांपल हैं जैसे लैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड डाइसैकेराइड,
ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। ठीक है, अब हमें पहले फोकस करना है किस पे, मोनोसैकेराइड के बारे में देखना है कि मोनोसैकेराइड जो है, अभी हमने क्या बोला, मोनोसैकेराइड 3 कार्बन कंपाउंड से लेकर के 7 कार्बन कंपाउंड तक होता है, और मोनोसैकेराइड का मतलब हो गया सिंपल सुगर। यानी अब इससे इसको और हाइड्रोलाइज करके सिंपल सुगर में कन्वर्ट जिसे नहीं कर सकते हैं तो वही होता है मोनोसैकेराइड। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ओलिगो एक शॉर्ट चैन होता है, यानी ये शॉर्ट चैन ऑफ सुगर, और जो शॉर्ट चैन होगा वो कितने, तो लगभग 10 से 12 मोनोसैकेराइड का यूनिट होता है मैक्सिमम। जबकि पॉलीसैकेराइड का मतलब हो गया कि जिसमें 100 to 1000 मोनोसैकेराइड के यूनिट होते हैं। तो ये लॉन्ग चैन ऑफ सुगर, लॉन्ग चैन ऑफ सुगर, और लॉन्ग चैन ऑफ सुगर में इसमें जनरली यानी 100 to 1000 मोनो सैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड को इसलिए पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड कहते हैं, पॉलीमर ऑफ मोनो सैकेराइड। तो ये जिसमें 100 to 1000 मोनोसैकेराइड या उसके यूनिट होंगे, तो इसलिए उसको पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड दो तरह का होता है, एक होता है होमो पॉली सैकेराइड, और सेकेंड जो है वह होता है हेटरो पॉली सैकेराइड। होमो पॉली सैकेराइड एंड हेटरो पॉली सैकेराइड। अभी इतना सारा चीज देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 1 by 1 हम सब पूरा डिटेल लेकर के चलेंगे। पहले ही आप क्या सोचेंगे कि अरे इतना ज्यादा ये सब क्या है, हो सकता है कि आपके बहुत सारे रेफरेंस बुक में नहीं मिले। हाँ, नहीं मिलेगा रेफरेंस बुक आपको, डायरेक्ट जो है मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज से स्टार्ट करेगा, हम आपको 3 कार्बन से लेकर के स्टार्ट करेंगे। अब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाता है, इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये सारा चीज फिर से आपको डिटेल में देखना है किसमें, तो 12th के केमिस्ट्री में भी आपको बायोमोलिक्यूल है। और यही फायदा होता है कि जो नीट बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनको वो चैप्टर पहले से किया हुआ रहता है, तो उनको वहां पे काफी हेल्प मिल जाता है। लेकिन जो जेई के बच्चे होते हैं उनको ये चीज नहीं होता है, तो वहां पे वो पूरी तरह से नए तरीके से ये सारा चैप्टर कवर करते हैं, जबकि आपको सिर्फ रिविजन करना रहेगा और आपका वो चैप्टर अपने आप कवर हो जाएगा, बस कुछ बेसिक चीजों को छोड़ करके, कुछ स्ट्रक्चर वगैरह को छोड़ करके। तो बस यही डिफरेंस होता है वहां पर। ठीक है, तो ये चलिए, तो होमो पॉलीसैकेराइड के जो एग्जांपल हैं तो वह है ग्लाइकोजेन स्टार्च और ग्लाइकोजेन, जबकि हेट्रो पॉलीसैकेराइड के जो एग्जांपल हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन आपको ऐसे ये पढ़ना नहीं है, आपको मेन जो है वह सिर्फ हम देखेंगे स्टार्च और ग्लाइकोजेन, क्योंकि स्टार्च और ग्लाइकोजेन में जो बॉन्डिंग है, ठीक है, वो 1,4 और 1,6 का अल्फा 1,4 ब्रांच चैन होता है, और 1,6 का जो चैन होता है वो हमें सिर्फ बॉन्डिंग उसमें देखना है, किसमें, स्टार्च और ग्लाइकोजेन में। लेकिन फिर भी हम लोग ये सारा चीज जो है वह डील कर लेते हैं। तो हेट्रो पॉलीसैकेराइड आपको वहां पर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, इसका होता है हिपेरिन और पेक्टिन। तो ये दोनों जो है वो हेट्रो पॉलीसैकेराइड है और ये होमो पॉलीसैकेराइड है। यहां पर ये 3 डाइसैकेराइड हम लोगों को डील करना है, लैक्टोज सुक्रोज और माल्टोज, ये तीनों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब आइए यहां पर हम लोग देखते हैं मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड हम क्या बोले थे, 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक होता है, तो 3 कार्बन का
फोर कार्बन का, फाइव कार्बन का, सिक्स कार्बन का और सेवन कार्बन का। थ्री कार्बन का जो मोनोसैकेराइड है उसका नाम है ट्रायोज। क्या नाम है? ट्रायोज। देखो मोनोसैकेराइड में एक वर्ड लगा होता है ओ एस ई, जहां पर भी वर्ड लास्ट में ओ एस ई, किसी वर्ड के लास्ट में ओ एस ई है, दैट मीन्स कि वो शुगर को इंडिकेट करता है। और किसी भी वर्ड के लास्ट में ए एस ई लगा हो तो दैट मीन्स कि वो एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है। आप ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, ओ एस ई का मतलब वो कोई ना कोई शुगर है, और ए एस ई अगर लास्ट में कहीं लगा है तो वह एक एंजाइम का नाम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर देखो जितने भी नाम आएंगे उसमें ओ एस ई, और जहां भी ओ एस ई होता है वो जनरली या तो मोनोसैकेराइड होगा या डाइसैकेराइड होता है। यहां पर देखो ये भी तो कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन स्टार्च और ग्लाइकोजन में ओ एस ई नहीं लगा है। लेकिन यहां पर देखिए लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सब जितने नाम है इसके लास्ट में ओ एस ई लगा है, उसी तरह इसके जो नाम होंगे उसके लास्ट में ओ एस ई लगा रहेगा। ठीक है, तो ट्रायोज, ट्रायोज के एग्जाम्पल, ट्रायोज के एग्जाम्पल है आपको ग्लिसरॉल एंड डाई हाइड्रोक्सी ग्लिसरॉल और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये दो एग्जाम्पल हैं किसके? ट्रायोज के। उसके बाद फोर कार्बन वाले को क्या कहते हैं? टेट्रोज। टेट्रोज का एग्जाम्पल है इरिथ्रोज। इरिथ्रोज हमारे आरबीसी में होता है, इरिथ्रोज और थ्रियोज। फिर फाइव कार्बन वाले को हम लोग क्या कहते हैं? पेंटोज। पेंटोज का एग्जाम्पल है राइबोज, डिऑक्सीराइबोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन? राइबोज और डिऑक्सीराइबोज। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसे हमें डीएनए और आरएनए में पढ़ना है। तो राइबोज जो होता है वह आरएनए में, डी आर फॉर राइबोज, आर फॉर आरएनए, डी फॉर डिऑक्सीराइबोज, तो डी फॉर डीएनए में। तो ये शुगर हमारा डीएनए में होता है और ये शुगर हमारा आरएनए में होता है। ये दो एग्जाम्पल हो गए, राइबोज, डिऑक्सीराइबोज, जाइलोज, राइबुलोज, ये सब एग्जाम्पल जो है वो पेंटोज शुगर के हैं। अब आइए सिक्स कार्बन वाले को हम लोग कहते हैं हेक्सोज, और ये इसके एग्जाम्पल हैं सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोज, मैनोज, फ्रुक्टोज। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन जो हम लोग डील करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो सारा चीज जो है वो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, उसके बाद में है सेवन कार्बन वाले को हम लोग बोलते हैं हेप्टुलोज, जिसका एग्जाम्पल है स्यूडो हेप्टुलोज। तो ये सब इस तरह से, यानी तीन कार्बन वाले को क्या कहते हैं? ट्रायोज। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो ग्लिसरॉल एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। फोर कार्बन वाले मोनोसैकेराइड को क्या कहते हैं? तो उसका नाम है टेट्रोज, जिसके एग्जाम्पल है कौन कौन? इरिथ्रोज, थ्रियोज, ये सब। पांच कार्बन वाले मोनोसैकेराइड को क्या कहते हैं? तो पेंटोज, और उसके एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल है तो राइबोज, डिऑक्सीराइबोज, जाइलोज और राइबुलोज। उसी तरह छह कार्बन वाले, ये सब नाम जो है अभी आपको आगे इलेवेंथ में बहुत सारे साइकिल को जानना है, फोटोसिंथेसिस ही पढ़ेंगे आप, बहुत सारा साइकिल है उसमें, तो ये सारा नाम अभी वहां पर आएगा। तो ये सारा नाम हम लोग इसीलिए इसी चैप्टर में कवर कर लेते हैं, तो उस समय आपको कंफ्यूजन ना ही हो। मान लिया हम जब आपको लिखा रहे हैं, आपको उसी समय मान लिया कि एक एग्जाम्पल के रूप में मान लिया वहां पर आ गया गैलेक्टोज, अब
आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे गैलेक्टोज क्या है। अगर अभी आपको इसको आपने डील कर लिया कि गैलेक्टोज, तो आपको वहां पे माइंड क्लिक करेगा ओ गैलेक्टोज, गैलेक्टोज दैट मींस कि द मोनोसैकेराइड, एंड मोनोसैकेराइड दैट मींस द हेक्सोज, एंड हेक्सोज मींस द सिक्स कार्बन कंपाउंड। तो ये सब अभी यहां पर जितने अच्छे तरीके से आप रिविजन करेंगे आपको उतना ज्यादा आगे फायदा मिलने वाला है, क्योंकि हम पहले ही बोले थे आपको कि ये चैप्टर का रिलेशन हर एक चैप्टर से कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में है। तो जितने भी साइकिल आप पढ़ोगे, रिस्पायरेशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फिर आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैस, वहां पर बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो आपको इसमें से मिलेगा आगे जाकर के। अभी प्रोटीन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें के बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो आपको आगे मिलेगा, इसीलिए इस चैप्टर को डिजाइन किया गया है। ओके, तो यहां पर ये पूरा का पूरा हम लोग ये देखिए कि ऐसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड की जगह पर डायरेक्ट डाइसैकेराइड, क्योंकि यही तीन हम लोग पढ़ने वाले हैं, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज को, और फिर उसके बाद पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में हम लोग पढ़ेंगे स्टार्च और ग्लाइकोजेन को, थोड़ा सा आपको दिखा देंगे हेपेरिन और पेक्टिन बस। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब आइए अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं मोनोसैकेराइड। तो ये हमारा अब मोनोसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड जो होता है ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर है, यानी इस शुगर को फर्दर हाइड्रोलाइज करके इसे इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग नहीं कर सकते हैं, यानी ये अपने आप में खुद क्या है, एक सबसे सिंपलेस्ट शुगर है। तो ये इसीलिए नाम ही क्या है मोनोसैकेराइड, यानी जिसमें सिंगल शुगर है। जब दो शुगर रहेगा तो दो शुगर को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जब खुद ही अकेले है अब इसको अलग कैसे करेंगे, तो ये बात आपको थोड़ा सा देखना होगा। तो ये मोनोसैकेराइड मींस जो सबसे सिंपलेस्ट शुगर है, ठीक है। कंटेन सिंगल शुगर एंड इट मे हैव सिंगल, अब किसी भी शुगर में या तो एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा या उसमें एक कीटोन ग्रुप होगा। ये एल्डिहाइड और कीटोन आपको ऑर्गेनिक वाले भी बताएंगे, हम भी डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली लिखिए, तो इट मे हैव सिंगल एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, इट इज सिंपलेस्ट शुगर एंड इट कैन नॉट बी फर्दर cannot be further hydrolyzed। मोनोसैकेराइड में कभी भी कोई डाइजेशन नहीं होता, यानी उसको अगर हम खाएंगे तो उसको डाइजेशन करने की जरूरत नहीं है मोनोसैकेराइड को, तो उसमें ना ही कोई प्रोसेस होगा ना कोई डाइजेशन होगा, वो डायरेक्टली ऑक्सीडाइज होकर के हमें एटीपी देने का काम करता है, कौन, मोनोसैकेराइड। तो ये इसका सबसे एक इंपॉर्टेंट, कभी आपने सोचा है कि आपको जब वीकनेस होती है तो गर्मी के टाइम पे डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ग्लूकॉन डी वगैरह का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि ग्लूकॉन डी आपने एक ग्लास पिया और तुरंत से आपको एनर्जी आ गया, ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें, इसीलिए तो उसका नाम है ग्लूकॉन, मतलब ग्लूकोज डी का फॉर्म है। अभी स्ट्रक्चर में आपको क्लियर होगा क्या होता है डी फॉर्म, क्या होता है एल फॉर्म, वो सब आगे की बात है। तो मतलब उसमें डेक्सट्रोज का यूनिट है, डेक्सट्रोज है उसमें, अब उसको अगर आप लेंगे तो उसको डाइजेशन की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपने पिया वो तुरंत एटीपी बनाना चालू करेगा, आपको एनर्जी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप खाना खाएंगे तो खाने को डाइजेस्ट होने में, ब्रेकडाउन होने में
पूरा का पूरा 3 to 4 hours टाइम लगता है तब आपको एनर्जी मिलेगी। यानी बहुत कस के भूख लगी या बहुत ज्यादा आपको थकावट हो रही है, एक ग्लास ग्लूकॉन डी पिए, तुरंत गया हमारे बॉडी में, एटीपी देगा और हम एनर्जेटिक फील करेंगे। वो इसी वजह से उसको ऐसा बनाया गया, वो डायरेक्ट फॉर्म है, यानी वो मोनोसैकेराइड है। तो ये बात याद रखिए कि मोनोसैकेराइड में ना कोई डाइजेशन करने की जरूरत है और ना ही उसे किसी तरह का ऑक्सीडेशन, वो डायरेक्ट ऑक्सीडाइज होगा, यानी नो हाइड्रोलाइसिस एंड नो डाइजेशन, नो हाइड्रोलाइसिस, नो डाइजेशन, तो क्या होगा? ओनली ऑक्सीडेशन, ओनली ऑक्सीडेशन एंड इट डायरेक्टली जेनरेट एटीपी। तो जब डाइजेशन भी नहीं होना है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब और सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटना, तो ये सिंगल यूनिट है तो और टूटेगा ही नहीं, ये डायरेक्ट आके डाइजेशन में चला, इसको डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये खुद सिंपलेस्ट है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना। कभी भी यहां पर हम आपको दे देते हैं, जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट होता है किसमें? सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डाइजेशन। तो इसको, ये तो खुद सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो जब सिंपलेस्ट यहां पर टर्म लिखा है, इट इज सिंपलेस्ट, यानी अभी इसे सिंपल नहीं होना है, तो जब खुद सिंपल है तो इसको डाइजेशन की जरूरत नहीं होगी, तो इसीलिए यह सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका जनरल फॉर्मूला, यानी कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nO। तो CnH2nO इसका क्या है? वह जनरल फॉर्मूला है, सिर्फ किसको छोड़ के? तो एक्सेप्ट डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी वहां पर क्या होगा उसका? C5H10 और O4। तो ये वहां पर हम लोग देख लेंगे। तो सिर्फ डीऑक्सीराइबोज को छोड़ के बाकी इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वह है CnH2n और ON। तो जितना यहां पर कार्बन का नंबर रहेगा उतना ऑक्सीजन का नंबर, और जितना कार्बन का नंबर रहेगा उसका डबल किसका? तो हाइड्रोजन का नंबर रहेगा। तो ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो या तो एल्डोज फॉर्म में होंगे या कीटोज फॉर्म में होंगे। ऑल मोनो सैकेराइड, ऑल मोनोसैकेराइड आर आइदर एल्डोज फॉर्म और कीटोज फॉर्म। एल्डोज फॉर्म और कीटोज फॉर्म कहने का मतलब हुआ बेटा कि जब सिंगल ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जब होता है तो उस मोनोसैकेराइड को एल्डोज कहते हैं, और जब उसके ऊपर ये डबल बॉन्ड ओ ये होगा तो इसको कहेंगे कीटोज फॉर्म। तो जिस शुगर के ऊपर फ्री कीटोन ग्रुप होगा तो उसको कहेंगे कीटोज। देखो दोनों में ओ एसी लगा हुआ है इंडिकेट करने के लिए, और जहां पर ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसको कहेंगे एल्डोज। तो जितने भी होते हैं ये दो फॉर्म में होते हैं। अब जो भी मोनोसैकेराइड होते हैं उसके डी और एल फॉर्म में होता है। ऑल मोनो सैकेराइड आर इन डी
एंड इन डी एंड एल फॉर्म। ये डी और एल फॉर्म क्या मतलब होता है? डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड एल का मतलब होता है लिवो रोटेटरी, ठीक है ना। तो ये डी और एल फॉर्म का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। ये आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पर आपको हम ये पूरा का पूरा एक बार आपको दिखा देंगे, ठीक है। और इसका एक एक्सेप्शन होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। तो यह एक जनरल इंफॉर्मेशन हुआ हमारा किसका? मोनोसैकेराइड का। अब मोनोसैकेराइड में हमें, और आप जानते हो मोनोसैकेराइड का मतलब थ्री कार्बन एटम से लेके सेवन कार्बन एटम का यह कंपाउंड है। अब इसका कुछ स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना है इसमें किसका किसका देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे ग्लिसरॉल का, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का, क्योंकि ये अभी आपको नहीं पढ़ना है लेकिन हम आपको यहीं पर कराएंगे क्योंकि इसका रोल जो है वो फोटोसिंथेसिस वगैरह में बहुत ज्यादा है। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर यहां समझ लेंगे तो आपको वहां पर बहुत हेल्प होने वाला है। आगे के चैप्टर के मैक्सिमम पार्ट को हम लोग यहीं पर डील कर लेते हैं। आगे जितने भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर आने वाला है तो उसको यहां पर डील करने से हमें यही फायदा होता है कि वो आगे हमारे लिए एक बार फिर से जब पढ़ाते हैं तो वो रिवीजन हो जाता है, वहां पे तुरंत आपको याद पड़ जाता है। तो हम लोग ग्लिसरॉल का देखेंगे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का देखेंगे, ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का और मैनोज का, ये सारे स्ट्रक्चर जो है हम लोग इसके, फिर राइबोज का और डीऑक्सीराइबोज का, इतने सारे छह सात स्ट्रक्चर को हम लोग इस मोनोसैकेराइड में डील करेंगे, ओके। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये सारे स्ट्रक्चर को, ओके। थैंक यू।